छतरपुर में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताया। अजय सिंह ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं लेने तक कांग्रेस सड़क पर उतर कर किसानों के साथ आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे लेकिन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह नहीं पहुंचे। इस बात से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठ गए। तो मोदी जी ने पहले भी कहा था कि क्या बोलते जो नोटबंदी की थी वो जनता के हित के लिए है, जो व्यापारियों के लिए कानून बनाए थे वो जनता के हित के लिए है। अब कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के लिए के हित के, ये सारे काम अपने निजी हित के लिए करते हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम पिछले 7 साल से जो कर रहे हैं। अब किसान बेवकूफ नहीं बनने वाला, किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। या तो हम लड़ाई जीतेंगे, हम घर पे कह के आए या लड़ाई जीत जाएंगे या हमारी लाशें गल जाएंगी। दूसरों पर निर्भर क्यों किया जाता है? हमें जहाँ बेचना होगा वहाँ बेचेंगे हम, जहाँ पे हमें दूसरों पे हम क्यों बेचेंगे? हम ही उगा रहे हैं, हम ही सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्यों इस तरीके से लाकर दिया जा रहा है कि हम आपके ऊपर निर्भर हो जाए? देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर प्रदर्शन कल मुरैना में है। पूरे प्रदेश में अनेक साथी लोग हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। ये तीनों कानून वापस हो इसके पक्ष में, गेट में हम लोग बैठे कलेक्टर साहब थे नहीं, धरने बैठ गए, धरना था ही धरने बैठ गए। कलेक्टर साहब आ गए, धरने जरूर के हमने भैया बंदे।